मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा हूं। तो भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ पर पैसे वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लोगों की क्रय शक्ति बहुत है, ऐसे स्थानों पर अक्सर ये माहिती फैलाई जाती है या फैल जाती है और लोग डर में और दहशत में आ जाते हैं। पुणे में इतना डर और दहशत हो गया है कि सरकार ने सारी शालाएँ बंद कर दी हैं, हॉस्पिटल सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। मैं बार बार पुणे आता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में पुणे की सड़कों पर इतना आराम मैंने कभी नहीं देखा। कोई है नहीं सड़क पर चलने वाला, सब घर में बैठे हैं, सबको दहशत हो गई है। और दहशत एक ही है कि पता नहीं हमको ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर हमको बीमारी हो जाएगी और हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे मरने की शक्यता है। शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है। फिर आपको न्यूज़पेपर से ये माहिती मिली होगी कि पुणे में कुछ लोग मर गए हैं और भारत में भी कुछ लोग मर गए हैं। तो भारत सरकार की ये जो माहिती है कि कुछ लोग मर भी गए हैं, उसने और डर पैदा कर दिया है। और विशेष रूप से पुणे में किसी एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थोड़े दिन पहले, उसने सारे देश में चर्चा बहुत कर दी इसकी कि डॉक्टर मर गया तो फिर पेशेंट का क्या है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी माहिती कह के ये बात शुरू करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से आया परसों आया शाम को। तो दिल्ली हवाई अड्डे पे फ्लाइट पकड़ने के लिए जब मैं आ रहा था तो कुछ परिचित लोग मिल गए मुझे हवाई अड्डे पे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा, पुणे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं कहा, भाई मेरा व्याख्यान है वहाँ पर, इसके लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मरने के लिए जा रहे हैं क्या? मैं बोला, क्या पुणे में सब मर रहे हैं? वो बोले, हाँ वहाँ पे स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, सब लोग ऐसी हालत में हैं। तो बाहर वालों को ऐसा लगता है पूरे पुणे में शमशान घाट बन गए हैं, सब मर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसी इमेज बन गई है पुणे की। ये सारी इमेज मीडिया ने बनाई है। मैं आपको कुछ वास्तविक बात बताना चाहता हूँ, कुछ सच्चाई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस दृष्टि से कि आप सब योग शिक्षक हैं, हर दिन आप कक्षाएं लेते हैं, हर दिन आपके योग और प्राणायाम सीखने वाले आपके पास लोग आते हैं, तो आप ये बात, ये माहिती दूसरों को कहें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली माहिती कि स्वाइन फ्लू नाम की जो बीमारी फैलती है वो एक वायरस से, उस वायरस का नाम है A H1N1। ये जानकारी आप सबको है। लेकिन जो महत्व की माहिती है वो ये है कि ये वायरस भारत का नहीं है, ये विदेशी है, परदेशी है। और ये जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, ये भी देशी बीमारी नहीं है, ये भी विदेशी है, परदेशी है। ये वायरस परदेशी है, ये बीमारी परदेशी है। ये वायरस कहाँ से आया है? तो इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 1.5 साल पहले ये वायरस पैदा हुआ मैक्सिको नाम के एक देश में। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का एक देश है और उस देश में एक बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है स्मिथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके, बड़ी कंपनी है। वो कंपनी डूकर का मांस बेचती है। हर साल 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस बेचती है वो कंपनी। अब 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस पैदा करने के लिए कम से कम 1 कोटी डूकर का कत्ल करना पड़ता है, तब 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस पैदा हो सकता है। और वहाँ के जो डूकर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते अपने जैसे, हाँ अपने भारत के जैसे डूकर हैं ना, वैसे नहीं होते, उससे तो डबल और ट्रिपल होते हैं। हमारे यहाँ जितनी बड़ी जितनी ऊंची गाय होती है ना, वहाँ इतने ऊंचे डूकर होते और एकदम मोटे मोटे थुल थुल, और इतने जास्ती मोटे होते हैं कि चल नहीं सकते, तो खड़े होते हैं धम से बैठ जाते हैं, चल नहीं पाते, भाग नहीं सकते, इतना मांस उनके शरीर पर होता है।
और वो मांस उनको इंजेक्शन दे दे के बढ़ाया जाता है, दवाएं दे दे के बढ़ाया जाता है, इंजेक्शन दे के दवाएं दे के डूकर का मांस बढ़ाते हैं और वो मांस बेचने का काम वो कंपनी करती है। तो कंपनी का वन पॉइंट प्रोग्राम है डूकर का मांस बेचना, मुनाफा कमाना और डूकर पालना। तो उनके बड़े बड़े रेंच हैं, उसमें डूकर पालते हैं, हर साल मांस बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर हैं, जो उसके बड़े अधिकारी हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो अपने ही डूकर के मांसों को नहीं खाते, वो नहीं खाते, खुद नहीं खाते। मैंने उस कंपनी के कुछ अधिकारियों को ईमेल करके पूछा कि आप पोर्क खाते हैं, पोर्क माने डूकर का मांस, तो उन्होंने कहा नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है, दूसरों को खिलाते हैं, खुद क्यों नहीं खाते। तो वो ही मुझे बोलते हैं कि हमको मरने का डर लगता है, कैसे मर जाएंगे। तो वो बोलते हैं ये जो डूकर का मांस है ये इन्फेक्टेड है और इसमें वायरस बहुत है और इसमें H1N1 वायरस होने की शक्यता सबसे ज़्यादा है। ये जो H1N1 वायरस है ये डूकर में ही जिंदा रहता है, तो वहाँ के डूकर में ये वायरस जिंदा रह सकता है और 1.5 साल पहले ये वायरस वहाँ डिटेक्ट हुआ और जो जो लोगों ने डूकर के मांस खाने वाले लोग हैं उनमें से करीब 2000 लोग उससे प्रभावित हुए और 146 अभी तक मर गए 1.5 साल में। 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे, 2000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए जिनको H1N1 वायरस ने प्रभावित किया, वो इन्फेक्टेड हुए। तो आंकड़े वारी में देखा जाए तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे। क्यों? क्योंकि दर वर्षी हमारे देश में अगर दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या हम ढूंढेंगे तो कैंसर से इस देश में हर दिन 1500 लोग मरते हर दिन, और साल में कैंसर से इस देश में 40 से 45 लाख लोग मरते। फिर हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से हर दिन 1200 लोग मरते हैं और साल में करीब 36 लाख के आसपास लोग मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। फिर हर दिन हमारे देश में 1000 लोग डायरिया और डिसेंट्री, हैजा और कॉलेरा से मरते हैं और साल में करीब करीब 35 लाख लोग डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा से मर जाते हैं। फिर हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं लाखों की संख्या में जो हर दिन कुपोषण से मरते हैं, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है और ऐसे ही भूखे मर जाते हैं, पूरा पेट भर के उनको भोजन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, उसमें मर जाते हैं। तो मरने वालों की संख्या तो बहुत है, कैंसर से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, मलेरिया से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, डायरिया, डिसेंट्री से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, अनेक अनेक दूसरी बीमारियों से। लेकिन वो बीमारियों पर हमारे देश के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे खबर नहीं आती। कैंसर से मरने वालों के बारे में कभी भी न्यूज़पेपर में और मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही। ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की चर्चा कभी भी इतनी नहीं होती मीडिया में जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही है। कारण जानते हैं क्या है? कैंसर की, ट्यूबरकुलोसिस की, डायरिया की, डिसेंट्री की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती उन बीमारियों के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, भले उसमें मरने वालों की संख्या कितनी भी जास्ती हो। लेकिन जिन बीमारियों में वैक्सीन बन सकती है और मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है उसकी चर्चा बहुत होती है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी। जब डर और दहशत बहुत जास्ती हो जाएगी, जैसा अभी बताया कि एक पत्नी का पति मर गया और उसके मन में इतनी दहशत और इतना डर कि उसने अपने पति के अंतिम शरीर को माने आखिरी यात्रा को 5 फीट दूर से प्रणाम किया, माने दहशत इतनी जास्ती है कि जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ सालों साल रही एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर, जब उसको ये डर लग गया कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ और उससे ये मर गया तो दूर से ही उसने प्रणाम कर लिया। ये हद है
ये लिमिट क्रॉस हुई है डर की, दहशत की। और ये लिमिट क्रॉस कराने में मीडिया ने बड़ी ताकत लगाई है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता, हमारे में कोई सुरखाव के पर हैं या हम भगवान के दूत हैं या हम ज़्यादा योग और प्राणायाम करते हैं, ये कारण है। कारण क्या है? कारण उसमें से दूसरे हैं जो जानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वाइन फ्लू विदेशी वायरस है, सॉरी विदेशी बीमारी है, और H1N1 वायरस विदेशी है। माने ये वायरस दुनिया के उन्हीं देशों में पैदा होके प्रभावित करता है लोगों को जहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है। अमेरिका में ठंडी बहुत होती है, कनाडा में ठंडी बहुत होती है, मैक्सिको में ठंडी बहुत होती है, ब्राज़ील में ठंडी बहुत होती है, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में ठंडी बहुत होती है। और आप जानते हैं साल में 6 महीने ठंडी पड़ती है और साल में 6 महीने तापमान उनके यहाँ 0 के नीचे होता है, -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, कभी कभी तापमान -30, -35, -40 तक चला जाता है। 6 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, सड़क पे बर्फ़ होती है, मैदान में बर्फ़ होती है, खेत में बर्फ़ होती है, छत पर बर्फ़ होती है, बर्फ़ 10-10 फीट ऊंची होती है। और यूरोप और अमेरिका में 6 महीने सरकार के सभी विभाग की ताकत इसी बात में खर्च होती है कि सड़क से बर्फ़ हटाना, खेत में से बर्फ़ हटाना, चलने लायक सड़क को बनाना, खेत को खेती लायक बनाना। तो जिन देशों में बर्फ़ पड़ती है, ठंडी बहुत होती है, तापमान 0 के नीचे चला जाता है, ऐसे देशों में तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं। और जितनी ज़्यादा ठंडी होती है उतने ज़्यादा वायरस होते हैं। सामान्य रूप से दुनिया के जितने भी वायरस हैं उनको पैदा होकर जिंदा रहने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान लगता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो जो देशों में हो सकता है उन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ करते हैं। अब भारत के बारे में बात करें और पूना के बारे में बात करें। भारत में इस समय महीना चल रहा है सितंबर, माफ़ करिएगा अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के पहले जुलाई था, जुलाई के पहले जून था, जून के पहले मई था, और मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च में गुड़ी पड़वा से लेकर और दीपावली के दिन तक सामान्य तापमान जो होता है पूरे भारत देश में वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है। पुणे का आज का तापमान 33 डिग्री है और अभी थोड़ी धूप ज़्यादा हो जाए ना तो कल ये 35-36 डिग्री हो जाएगा। तो पुणे का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है, सारे देश का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है, दो राज्यों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश के 28 राज्यों का सामान्य तापमान 34-35 डिग्री है। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। वायरस अगर पैदा भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट जिंदा रह सकता, उसके बाद उसको मरना ही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में कोई वायरस जिंदा नहीं रहता।